नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ डॉली भाटिया। दर्शकों, हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में पेश आने वाली बीमारियों के बारे में और आपको सतर्क करते हैं कि कैसे आप उन बीमारियों से बच सकते हैं। यदि आप उन बीमारियों से ग्रस्त हो गए हैं तो कैसे उन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। इसी प्रकार आज भी हम हाजिर हुए हैं अपने इस खास कार्यक्रम सी हेल्थ को लेकर आप सभी के बीच, और आज भी हम चर्चा करेंगे ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और आप तक पहुंचाएंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। पर उससे पहले आपको बता दें कि आज हमारे साथ इस चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अंकुर प्रकाश। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका। डॉक्टर अंकुर प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। दर्शकों, डॉक्टर अंकुर प्रकाश जो कि होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, वो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं आपको बताने के लिए कि किस तरीके की बीमारियों का इलाज होम्योपैथिक के द्वारा भी संभव है और क्यों वो एलोपैथिक से अलग है, और होम्योपैथिक की जो पद्धति है वो आखिर इतनी क्यों आगे बढ़ती जा रही है और क्यों लोग होम्योपैथिक के ऊपर विश्वास करना उन्होंने ज़्यादा कर दिया है। तो तमाम तरह की चर्चाएं होंगी हमारे इस शो में आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। डॉक्टर अंकुर प्रकाश, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे क्योंकि आप होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, होम्योपैथिक पद्धति क्या है इसके बारे में जानना चाहेंगे। होम्योपैथी एक समलक्षण चिकित्सा पद्धति है जिसकी शुरुआत 1796 ईस्वी में हुई थी डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के द्वारा। बेसिकली ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें कि हम लोग ये मानते हैं, जिसको हम लोग साधारण शब्दों में डिफाइन करें तो ये कह सकते हैं कि जहर जहर को काटता है, उसी टाइप की पद्धति है ये समलक्षण चिकित्सा पद्धति। मैंने जो आपको ये वर्ड्स प्रयोग की है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ की सफरिंग्स को अगर होम्योपैथी की चिकित्सा उसी सिम्टम्स के द्वारा रिमूव करे या एनिहिलेट करे तो दैट इज़ कॉल्ड कि ये समलक्षण चिकित्सा पद्धति या होम्योपैथी कहलाती है। होम्योपैथी का स्कोप आजकल इसलिए ज़्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि बेसिकली हम लोग मेंटल एट्रीब्यूट, साइकोलॉजिकल ओपिनियंस, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ पेशेंट्स भी कंसिडर करते हुए दवाइयाँ देते हैं। जैसे कि किसी पेशेंट को अगर किसी तरह का गठिया या फिर बैक का पेन हो रहा है तो उस बैक के पेन को कारणों को हम लोग कंसिडरेशन में लेंगे। मान लीजिए कि किसी को कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स हुई या फिर मेंटल स्ट्रेस हुए, उसके बाद उसको ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई तो उसको कंसिडरेशन में लेते हुए होम्योपैथी की दवाइयाँ सेलेक्ट की जाती हैं और ये माना जाता है और उसके द्वारा ही ये सिम्टम्स करेक्टली रिमूव भी हो जाते हैं। इसलिए होम्योपैथी का आजकल के युग में बहुत बड़ा स्कोप है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ पे बात करें अगर हम एलोपैथिक की, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि लोग कुछ भी अगर उन्हें परेशानी होती है वो एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास ही जाते हैं और एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेना ही पसंद करते हैं क्योंकि माना जाता है कि एलोपैथिक जो दवाइयाँ होती हैं वो जल्दी रिएक्ट करती हैं और बीमारी को जल्दी ख़त्म करती हैं। होम्योपैथिक की अगर हम बात करें तो होम्योपैथिक एलोपैथिक से कितना अलग है और बीमारी पर वो किस तरीके से वर्क करता है? देखिए, होम्योपैथी और एलोपैथी दोनों ही पद्धतियाँ मरीज़ों को ठीक करने के लिए ही दी जाती हैं। मैं आपको वर्ड्स के हिसाब से डिफाइन कर देता हूँ। जैसे एलोपैथी जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है कि डिससिमिलर, और पैथोस का मीन्स होता है सफरिंग। तो किसी भी तरह से अगर मान लीजिए कि हम लोग जो पेन किलर्स यूज़ करते हैं या पैरासीटामोल बुखार के लिए यूज़ करते हैं तो इनका जो रिएक्शन होता है वो फीवर को डाउन करने के प्रति केंद्रित होता है। जी, होम्योपैथी जिसमें होमोज मीन्स सिमिलर और पैथोज मीन्स सफरिंग, मतलब इसमें वही दवाइयाँ आपको दी जाती हैं। मान लीजिए कोई दवा आपने क्रूड फॉर्म में पेशेंट को देने के बाद वही लक्षण आपको प्रकट कर दे तो वही दवा मरीज़ के लिए सेलेक्ट की जाती है। मान लीजिए कि किसी दवा को अगर हम खाने पे अगर हम लोग नॉर्मली खा लेते हैं, जैसे जमाल गोटा है, अगर उसको हम लोग खा लेते हैं तो हम उसको उससे पेशेंट को दस्त वगैरह होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। तो दस्त के लिए जमाल गोटा एक होम्योपैथिक दवा है क्रोटोनटिक नाम से, जिसको के सेलेक्ट किया जाता है। तो इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि अगर हम लोग किसी भी दवा को समलक्षण चिकित्सा पद्धति के आधार पर देते हैं तो ये भी उतनी कारगर सिद्ध होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसी के साथ अगर हम आपसे बात करें, जिस तरीके से आपने बताया कि दवाइयाँ एलोपैथिक में किस तरीके से वर्क करती हैं और होम्योपैथिक में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग होम्योपैथिक की तरफ जागरूक हुए हैं लेकिन अभी भी उनका जो रुझान है अगर हम बात करें तो एलोपैथिक की तरफ ज़्यादा है, सिर्फ इस वजह से कि होम्योपैथिक टाइम बहुत लगाती है बीमारी ठीक करने में। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, होम्योपैथी की दवाइयाँ चूँकि कॉज अफेक्ट रिलेशन पर वर्क करती है, अगर आपका कॉज रिमूव किया गया पेशेंट का, मान लीजिए कि कॉज पेन होने का कोई कारण है, जैसे कि किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो होम्योपैथी की दवा जब तक उस स्लिप डिस्क को ठीक नहीं करेगी तब तक उसका पेन रिलीफ भी धीरे धीरे ही होगा। जबकि एलोपैथी में इस तरह का नहीं होता, वहाँ पर इस तरह की दवाइयाँ हैं जिनसे कि पेन रिसेप्टर्स को बिल्कुल मतलब नष्ट कर दिया जाता है, जिससे कि पेन पेशेंट को फील होता ही नहीं है।
तो इसलिए ये कह सकते हैं कि एलोपैथी पेन रिलीफ के लिए इंस्टेंट रिलीफ दे सकती है। होम्योपैथी में चूँकि दवाइयाँ कॉज और उसके बाद उसके होने वाले अफेक्ट के ऊपर केंद्रित होती हैं, तो जब तक हम लोग कॉज रिमूव नहीं करेंगे तो उसका अफेक्ट नहीं दिखेगा। इसलिए कि होम्योपैथी के बारे में ये लोगों में धारणा क्रिएट हो गई है कि वो एक दवा है जो कि इस तरह की धीमे काम करती है। जी तो मेरा मानना ये है कि हम लोगों के लिए, अगर जैसे कि आप एक्यूट कंडीशंस को कंसिडर करिए, जैसे किसी को एक्सीडेंट हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो उसके लिए आपके स्कोप एलोपैथी की दवाइयों का ही है। लेकिन अगर कोई पुरानी बीमारी है जिसमें कि कॉज का रिमूवल भी उतना ही ज़रूरी है, तो आप लोग होम्योपैथी के ऊपर ही जाएँ निश्चित रूप से। बिल्कुल, इसी के साथ ही एक बार फिर से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अंकुर प्रकाश, जो कि होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। वो आपको बताने के लिए आए हैं कि किस तरीके से होम्योपैथिक पद्धति कार्य करती है, आप होम्योपैथिक की दवाइयाँ क्यों लें, ये क्योंकि बड़ा सवाल होता है आज के दौर में, जब हमारे पास टाइम नहीं होता और जब हम बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं तो हम जल्दी से जल्दी उस बीमारी से निजात पाना चाहते हैं। ऐसे में हमें सही डॉक्टर की सलाह और सही डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी में अगर हम बात करें होम्योपैथिक की, तो क्या कार्य है इसका, कैसे वर्क करती है, इनकी दवाइयों का क्या कह सकते हैं हम कार्य करता, कैसे दवाइयां इनकी काम करती हैं, तो इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर अंकुर प्रकाश के साथ। डॉक्टर साहब, यूं तो छोटी छोटी अगर हम बीमारियों की बात करें, बुखार, सर्दी, खांसी, इसमें तो हाँ हमारे पास टाइम होता है, हम ले सकते हैं होम्योपैथिक। लेकिन अगर हम बड़ी बीमारियों की बात करें, जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, इन सब में भी होम्योपैथिक उतना ही असरदार होता है लेना। बिल्कुल, देखिए होम्योपैथी में होम्योपैथी का फ़ायदा ही यही है और इसका एडवांटेज एज़ कम्पेयर टू एलोपैथी मैं इसलिए ही मानता हूँ जी क्योंकि इसमें हम लोग हर चीज़ों को कंसिडरेशन में लेते हैं। आजकल कोई भी बीमारी जो है वो सारी बीमारियाँ मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन हो गए हैं। उसके मतलब आपको बताऊँ कि कोई भी बीमारी का कारण आप एक किसी कारण को चिन्हित नहीं कर सकते कि आप ये बीमारी इस कारण से हो रही है। मान लीजिए जैसे आपने डायबिटीज़ और थायराइड के नाम लिए, तो ये सारी बीमारियाँ स्ट्रेस से भी क्रिएट हो रही हैं। लोगों को स्ट्रेस बढ़ रहा है, लेडीज़ को स्ट्रेस बढ़ रहा है, तनाव में रहती हैं, तो इस वजह से लेडीज़ में थायराइड होने की संभावना धीरे धीरे बहुत ज़्यादा होती जा रही है। वही कारण आपके डायबिटीज़ में स्ट्रेस है, भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, अनियमित दिनचर्या है, जीवन शैली के बदलाव हैं। ये सब कारणों को किसी भी तरह से एलोपैथिक की पद्धति में कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे होम्योपैथी का एडवांटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग, मैंने आपको पहले भी बताया था कि होम्योपैथी कॉज अफेक्ट रिलेशन पे वर्क करती है, तो कॉज को रिमूव करने के लिए हम इन फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेते हैं। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि बड़ी बीमारियों में चूँकि हम लोग मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशंस के सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, तो इसलिए होम्योपैथी का रोल बड़ी बीमारियों में खास तौर पे बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस है एज़ कम्पेयर टू एलोपैथी। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब बात करें, अगर हम एलोपैथिक अगर डॉक्टर्स की अगर हम बात करें, तो उनके में हर एक बीमारी में कोई स्पेशलाइजेशन डॉक्टर्स ही होते हैं और उन्हीं के पास जाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें होम्योपैथिक की, तो कोई भी परेशानी हो, क्या एक ही होम्योपैथिक डॉक्टर ट्रीट कर सकता है उस परेशानी को? हाँ, ये कह सकते हैं मैम, लेकिन ये है कि मेरे हिसाब से आपका जो डॉक्टर है उसके लिए क्या कमांड, जैसे कि मैं अपने अपने फील्ड में कैंसर रोग विशेषज्ञ के रूप में प्रचारित हूँ, कैंसर के ट्रीटमेंट्स करता हूँ, कैंसर की बीमारियों में जितने भी पॉजिटिव फैक्टर्स को कंसिडर करता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रीट करता हूँ, तो कैंसर की बीमारियों का एक्सपर्ट हूँ ये कह सकता हूँ मैं अपने आप को। लेकिन मैं सारी बीमारियों को कंसिडरेशन में लेते हुए, सारे फैक्टर्स को पूरी तरह से हिस्ट्री को एवेलुएट करते हुए दवाइयाँ सेलेक्ट करता हूँ, तो इसी तरह से और भी डॉक्टर्स करते हैं। तो कह सकते हैं कि किसका कमांड किस चीज़ में है वो सबका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन होम्योपैथी में चूंकि जनरल मेडिसिन की चिकित्सा होती है, काय चिकित्सक बोले जाते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी, तो इसलिए हर डॉक्टर भी दे सकता है बशर्ते उसको हर चीज़ की नॉलेज हो। बिल्कुल, इसी के साथ ही एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अंकुर प्रकाश, जो कि होम्योपैथिक चिकित्सक हैं और आपको बताने के लिए आए हैं कि किस तरीके से होम्योपैथिक की दवाइयाँ अगर आप बीमारियों में लेते हैं, किसी भी तरीके की बीमारी में डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाते हैं, तो आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है और पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। इसी के साथ डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि आप कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इतने टाइम से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैंसर के पेशेंट्स की संख्या में इजाफा हो रहा है लगातार, इसका कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, कैंसर का जो बेसिक कारण है वो है आपकी जेनेटिक संरचना या जीन की संरचना में होने वाले बदलाव। अब ये जीन्स की संरचना ये नहीं इंडिकेट करती है कि आपके किसी को फोर फादर्स या फिर किसी की को पुरानी जनरेशन में आपको ये प्रॉब्लम रही होगी,
लेकिन जेनेटिक संरचना में बदलाव जेनेटिक म्यूटेशंस के द्वारा होते हैं, और वो आपके किसी भी तरह से तंबाकू, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो अनियमित दिनचर्या है, जीवन शैली, इस तरह की जो अनियमित दिनचर्या और जीवन शैली में होने वाले बदलाव हैं उनके कारण भी ये जेनेटिक म्यूटेशंस क्रिएट होते हैं। अगर आप 10 लोगों को कंसिडरेशन, एक स्टडी की गई जिसमें 10 लोगों को कंसिडर किया गया जो कि सारे अल्कोहलिक्स थे, मतलब जो शराब के सेवन करने वाले लोग थे, लेकिन उनमें से 2 को ही लक्षण पाए गए कि उनको लिवर या उसका उससे जुड़ा हुआ कोई कैंसर होने के जी लक्षण थे उनके अंदर, तो बाकी 8 लोगों को कैंसर क्यों नहीं हुआ, जबकि उनको ये कारण सेम दिए गए थे, सेम उसी तरह की दवाइयाँ दी गई थी या उसी तरह के टेस्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए थे, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनकी जेनेटिक संरचना के जो बदलाव हैं जिस पे कि हमारी अनियमित दिनचर्या, स्ट्रेस, तनाव होने वाले फैक्टर्स बढ़ाने का काम करते हैं, तो वो उनके साथ नहीं थे। उन 2 लोगों को जिनमें ये लक्षण पाए गए उनके साथ थे, तो ये इंडिकेट करता है कि जेनेटिक संरचना में बदलाव कैंसर होने का प्रमुख और बेसिक कारण है। फिर कई फैक्टर्स कंसिडर होते हैं अलग अलग कैंसर के कारणों के अनुसार, इसलिए मैंने बताया ना कि होम्योपैथी की जो चिकित्सा पद्धति है इन कारणों को कंसिडर करती है, साइकोलॉजिकल बदलाव क्या थे। अभी आज मैंने एक पेशेंट देखा जिसको कि जिसकी की नौकरी जाने के बाद उसके जो दिमागी तनाव पैदा हुए, उसको अपने घर परिवार की चिंताओं को के कारण जो तनाव पैदा हुए उसके बाद से उसके दिमाग में ट्यूमर फॉर्म हुआ जो कि कैंसरस था। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि इन चीज़ों को कंसिडरेशन में होम्योपैथी लेती है, और इसलिए मैं ये बता सकता हूँ कि होम्योपैथी का आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्कोप है कैंसर की बीमारियों के केसेस में। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जो बीमारियाँ लगातार बढ़ रही हैं उसका एक कारण सबसे बड़ा स्ट्रेस है, क्योंकि आपने बताया कि स्ट्रेस की वजह से उसे ट्यूमर जैसी बीमारी भी हो गई। अगर हम बात करें अभी कैंसर के ऊपर अगर हम बात करें तो ये गंभीर समस्या है, और अगर किसी को बताया जाए कि आपको कैंसर है तो वो डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी ज़िंदगी के दिन कम रह गए हैं और वो अब बहुत जल्द अंतिम पड़ाव पर पहुँचने वाला है। लेकिन आपको लगता है कि कैंसर का इलाज पॉसिबल है और जीवन को बचाया जा सकता है? बिल्कुल। मैं आपको उदाहरण दूंगा कि जब मैं टाटा कैंसर हॉस्पिटल में अपनी हाउसमैनशिप कर रहा था, डिप्लोमा कैंसर मैनेजमेंट का, तो उसमें हम लोगों ने एक स्टडी प्रोटोकॉल फॉलो किए जिसमें ये बताया गया कि 96% जो मरीजों की मृत्यु है कैंसर की बीमारी से वो उनकी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से या उससे जुड़े होने वाले भय की वजह से होती है। उनमें से 72% लोगों को समस्या कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद अंग्रेजी दवा के फिर से रिपीट ज़रूर होती है। तो ये वहाँ की टाटा कैंसर हॉस्पिटल जो कि विश्व का मतलब सबसे बड़े हॉस्पिटलों में से एक है, उनका स्टडी प्रोटोकॉल की रिजल्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है आपका, मैं क्वेश्चन एक बार फिर से सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि जैसे कैंसर की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या में तो इजाफा हो ही रहा है, वो अपने आप को ही समझते हैं जब कैंसर उन्हें पता चलता है कि अब उनके दिनों का जो दिन है अब उनके बहुत कम रह गए हैं और वो बहुत जल्दी उनके पड़ाव अंतिम पड़ाव पर पहुँचने वाले हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या उनको मतलब ये बताया जा सकता है कि नहीं अभी आपका ट्रीटमेंट जो है, अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो इस बीमारी से हम जड़ से ख़त्म करके उसके जो हम उनका जो डर है वो भी ख़त्म कर सकते हैं? जी बिल्कुल। डर और जो भय है वही सबसे बड़ा कारण है इस समस्या से परेशानी पैदा होने का। तो बेसिकली इंडिकेशंस ये चीज़ों को कंसिडरेशन में हम लोग लेते हुए देखते हैं कि पेशेंट को मानसिक भय है कि नहीं है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि नहीं है, इसकी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि नहीं है, तो इन सब कंसिडरेशंस में लेते हुए होम्योपैथी के द्वारा हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट्स करते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अंकुर प्रकाश, जो कि होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं और होम्योपैथिक पद्धति से मरीजों को ठीक करते हैं, उनका इलाज करते हैं, और आपको बताएंगे कैंसर के बारे में तमाम तरह की जानकारियाँ। क्योंकि अभी तक आपने ये बहुत सुना होगा कि कैंसर के जो जितने भी पेशेंट हैं वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से कैसे कैंसर के का इलाज होता है इसके बारे में जानना बहुत दिलचस्प होगा, और इसकी चर्चा हम करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ डॉली भाटिया। दर्शकों, हमारे इस खास कार्यक्रम में आज आए हुए हैं होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर अंकुर प्रकाश, जो आपको बता रहे हैं किस तरीके से होम्योपैथिक चिकित्सक पद्धति से आप किसी भी तरह की बीमारी से निजात पा सकते हैं, किसी भी तरह की परेशानी से आप निजात पा सकते हैं, क्योंकि लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं और उसमें होम्योपैथिक का क्या रोल है, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अंकुर प्रकाश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है डॉक्टर साहब।
जैसे कि हम बात कर रहे थे कैंसर के ऊपर, और आपने बताया कि कैंसर के मरीज जो हैं बढ़ रहे हैं उनकी संख्या, लेकिन होम्योपैथिक की जो ट्रीटमेंट है उससे कहीं ना कहीं उन्हें बचाया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मानते हैं कैंसर जो है बहुत भयावह स्थिति, भयावह बीमारी होती है। यहाँ पर जानना चाहेंगे, कैंसर जैसी जब बीमारी की हम बात कर रहे हैं तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि जल्दी से मैं कैंसर का इलाज करवा लूँ ताकि मैं अपनी जान को बचा सकूँ और जीवन जी सकूँ। लेकिन होम्योपैथिक की अगर हम बात करें तो बहुत स्लो वर्क करती है होम्योपैथिक कंपैरेटिवली अगर हम बात करें, तो क्या पेशेंट आना चाहेंगे कैंसर के, होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट लेना चाहेंगे, क्योंकि वो ये नहीं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक ये थॉट भी आ सकता है कि होम्योपैथिक स्लो वर्क कर रही है और कैंसर में स्लो का कोई काम ही नहीं है। मैम देखिए, मैं आपको बताऊं कि कैंसर की जो चिकित्सा होम्योपैथी के द्वारा करी जाती है, जैसा मैंने पहले बताया था कि इसमें हम लोग सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते जी। हैं, तो उन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए हर फैक्टर को क्योर करने के लिए अलग अलग दवाइयाँ दी जाती हैं। होम्योपैथी बेसिकली कॉज अफेक्ट रिलेशन पे वर्क करने वाली मेडिसिन है, मतलब आपके कॉज को भी कंसिडरेशन में लेते हैं हम लोग, उसके लिए मेडिसिन भी दी जाती हैं। अब मान लीजिए जैसे कि किसी कैंसर पेशेंट को, जो कि लिवर का कैंसर का पेशेंट है और उसको बहुत ज़्यादा पेनफुल स्वेलिंग है पेट के अंदर, तो उस पेन को रिलीफ करने के लिए, इंस्टेंट रिलीफ के लिए होम्योपैथी में भी बहुत अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं जो कि एलोपैथी से जल्दी और क्विक रिस्पॉन्स दे सकती हैं। तो कॉज अफेक्ट रिलेशन के दो विभाजित कर देता हूँ कि कॉज के लिए हम लोग अलग मेडिसिन साथ में देते हैं, और अफेक्ट को या फिर सिम्टोमेटिक रिलीफ देने के लिए जो पेशेंट्स की जो चिकित्सा है वो उतनी ही क्विक एक्टिंग दे सकते हैं जितनी कि हम लोग एलोपैथी में एक्सपेक्ट करते हैं। तो कैंसर के पेशेंट किसी भी तरह से दुविधा में ना रहें, हमेशा वो लोग यही सोचें कि चूंकि इसमें कॉज अफेक्ट रिलेशन पे वर्क है, होम्योपैथी आपके कैंसर के केस को जब तक क्योर भी करेगी और साथ ही साथ आपको आराम भी मिलेगा, तो इसलिए ये कह सकते हैं कि होम्योपैथी का जो स्कोप है वो कैंसर के केसेस में बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपके माध्यम से मैम ये भी बताना चाहूँगा कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जो कराए हुए पेशेंट्स हैं उनकी जो होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अगर उनको कीमोथेरेपी से मान लीजिए फ़ायदा मिल रहा है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स के लिए भी पेशेंट्स होम्योपैथी की चिकित्सा ले सकते हैं, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करने में भी होम्योपैथी का उतना ही योगदान है जितना कि और चिकित्सा पद्धति कर सकती हैं। साथ ही साथ जो कैंसर का कॉज है उसको देखते हुए हम लोग कैंसर की चिकित्सा एलोपैथी के साथ साथ ही दे सकते हैं। तो एलोपैथी ले रहे हैं और होम्योपैथी साथ में चल सकती है कि नहीं, ये दुविधा लेके कई लोग आते हैं मेरे पास जी। कुछ लोग भय से जुड़े हुए केसेस लेके आते हैं कि उनको भय है कि इस तरह की गांठ है कहीं ये कैंसर ना हो, तो उन चीज़ों में भी होम्योपैथी में उतना ही अच्छा योगदान, हम लोग उतना ही अच्छा गाइडेंस देते हैं पेशेंट को। एलोपैथी लेने वाले लोग साथ में होम्योपैथी भी ले सकते हैं, किसी भी तरह से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि लोगों को आजकल इतना डर बैठ गया है कहीं उनको कोई कैंसर तो नहीं है, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी लगातार बढ़ रही है, तो जैसे आपने बताया गांठ अगर कहीं हो जाए तो कहीं वो कैंसर तो नहीं है, कैसे लक्षण पता चलेंगे कि हाँ कैंसर जो है आगे चल के बन सकता है? बेसिकली कहीं भी पेनलेस स्वेलिंग हो मैम, अगर जैसे कि आपके कहीं भी कहीं अल्सर है, जैसे कि मुँह में अल्सर है और वो 15 दिन से या 2 महीने से ज़्यादा ठीक नहीं हो रहा है, उसमें एक सफ़ेदी टाइप की पाई जा रही है, तो ये एक प्री कैंसरस कंडीशन के लक्षण हो सकते हैं। इसी तरह गांठ कहीं भी हो जो कि पेनलेस हो और वो कई काफ़ी समय से बनी हुई हो तो उसकी जांच करा लेनी आवश्यक होती है। लेडीज़ को महावारी के समय होने वाली अनियमित ब्लीडिंग जो कि काफ़ी समय से कंटिन्यूस चालू है, या फिर होने वाला सफ़ेद पानी की शिकायत, उन केस में आपको जांच करा लेनी अति आवश्यक होती है। तो इस तरह कह सकता हूँ कि कहीं भी गांठ अगर है और वो काफ़ी दिनों से बनी हुई है जिसका किसी प्रकार से कारण या दर्द नहीं बना हुआ है तो उसकी जांच करा लेनी अति आवश्यक होती है। किसी भी बड़ी बीमारी को होने में कुछ समय लगता ही है, इसलिए उसी स्टेज पर अगर हम लोग उस चीज़ को जाँचों के द्वारा पकड़ लें तो उसका बहुत अच्छा और जड़ से इलाज संभव हो जाता है। लेट डायग्नोसिस होने पे प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होती हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने डायग्नोसिस की जैसे बात की, यहाँ पे आपसे पूछना चाहेंगे कि किस तरीके से डायग्नोसिस की जाती है, क्योंकि अभी तक तो हमने देखा है कि टेस्ट कुछ करवाए जाते हैं अगर हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, तो होम्योपैथिक में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती है, डायग्नोसिस होती है? होम्योपैथी में भी मैम उसी तरह से डायग्नोसिस होती है जिस प्रकार से आपके एलोपैथी में होती है। FNAC या फिर इंजेक्शन के द्वारा टिश्यू को लिया जाता है और उसकी एस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होती है। बायोप्सी भी उसी तरह से होम्योपैथी में भी ज़रूरी है जिस तरह से एलोपैथी में ज़रूरी है। इसके साथ साथ कुछ ट्यूमर मार्कर्स या बहुत सेंसिटिव मार्कर्स हो गए जिसमें कि हम लोग पहले ही जान सकते हैं कि क्या मरीज़ को आगे होने वाला कैंसर हो सकता है या नहीं। तो इस तरह की जाँचें आजकल बहुत सूक्ष्म जाँचें उपलब्ध हो गई हैं होम्योपैथी में भी,
और जनरल पैथोलॉजी के द्वारा और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, बायोप्सी, सीटी और ये जो जांचें हैं इन सब के द्वारा ही होम्योपैथी में भी डायग्नोसिस पूरी तरह संभव है और अर्ली भी। बिल्कुल, इसी के साथ ही एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अंकुर प्रकाश, जो कि होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, और कैंसर के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं इनके साथ कि किस तरीके से बीमारी का इलाज होता है, कैंसर के क्या क्या लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं अपने साथ कि आप पता लगाने के लिए जा सकें डॉक्टर के पास। अगर आपको उसमें से एक भी लक्षण ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई दिक्कत है तो आप सीधे डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि अगर आप देर करेंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि पेशेंट्स को पता नहीं चल पाता कि उनको कैंसर है और उनको लास्ट स्टेज में जाके पता चलता है, तभी कहीं ना कहीं एक धारणा भी ये बन गई है कि कैंसर के पेशेंट्स का इलाज नहीं होता। जी बिल्कुल, क्योंकि जो केसेस लेट डायग्नोसिस होते हैं उसमें वो, चूंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो इरिवर्सिबल मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स जिसको के परिभाषित किया जाता है, मतलब जो कोशिकाएं हैं वो अनियमित रूप से बढ़ने लगती हैं, तो ये कोशिकाएं चूंकि अनियमित रूप से बढ़ती हैं तो ये एक बॉडी पार्ट से लेकर दूसरे बॉडी पार्ट तक अगर फैलने लगती हैं, उनको फैलने का जो तरीका है वो लिम्फ नोड्स के द्वारा ज़्यादा माना जाता है। तो अगर ये लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व कर लें, हम लोगों में जो बेसिकली क्लासिफिकेशन होती है वो ट्यूमर नोड्स और मेटास्टेसिस के हिसाब से होती है, तो इन चीज़ों को कंसिडरेशन में लेते हुए अगर हम लोग, अगर कैंसर लेट डायग्नोस हुआ और वो ज़्यादा बढ़ गया है तो उसका केवल पैलिएशन ही हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि उसका कोई जड़ से इलाज संभव नहीं होता है एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद। तो कह लीजिए, अगर मैं जनरल भाषा में डिफाइन करूं तो पहली स्टेज या जीरो स्टेज का कैंसर जड़ से ठीक हो सकता है, उसके बाद के स्टेजेस में हम लोग पैलिएटिव थेरेपी ही दे सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ पे कैंसर की आपने बात की, आपने लक्षणों के बारे में बताया, आपने कारणों के बारे में बताया। महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि उन्हें लगातार चेकअप्स कराते रहने चाहिए, क्योंकि कैंसर लगातार बढ़ रहे हैं और अन्य तरह की परेशानियां भी 40 के बाद महिलाओं के साथ होने की संभावना बढ़ जाती है। कैंसर की अगर हम बात करें तो किस तरीके के कैंसर महिलाओं के साथ हो सकते हैं? सबसे ज़्यादा कॉमन जो महिलाओं में कैंसर है मैम, वो 65% कैटेगरीज जो हैं वो आपके सर्वाइकल कैंसर की हैं। किसी भी लेडी को अगर अनियमित मासिक धर्म हो रहा है और इसके अलावा जो सफ़ेद पानी की शिकायत काफ़ी दिनों से बनी हुई है, तो उस लेडी को अपना पैप स्मियर या एस्ट्रोपैथोलॉजिकल जाँचें रेगुलरली अपनी करा लेनी चाहिए। CA125 मार्कर, एक खून के द्वारा जो कैंसर को पहले से ही जाँचने के लिए एक मार्कर भी उपलब्ध हो गया है आजकल, तो इस मार्कर के द्वारा हम लोग कैंसर की जांच पहले से ही कर सकते हैं और उस आरंभिक स्टेज में ही उसकी जांच होने से उसका इलाज पूर्णतः संभव हो जाता है। कुछ लोगों में बेसिकली हम लोग कैंसर के केसेस में हम लोग ट्रीटमेंट्स भी ऑफर उसी समय करते हैं जिससे कि हम लोग पैलिएटिव केयर या फिर जो प्रिवेंटिव केयर दे सकें पेशेंट्स को। कुछ लोगों को हम लोग ये भी एडवाइस करते हैं कि अगर जो लेडीज़ हेल्दी हैं उनको कोई दिक्कत ना हो तो उसके लिए वो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन्स भी गायनेकोलॉजिस्ट की ओपिनियन के आधार पर लगवा सकती हैं। तो इसके लिए लेडीज़ को मैं ये एडवाइस करूँगा कि अगर लेडीज़ हेल्दी हैं तो अपने सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ की परामर्श के अनुसार ज़रूर लगवा लें उसके पास जाके। बाकी की जो ट्रीटमेंट्स हैं और जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको आप एक, अगर किसी तरह से आपको दिक्कतें हो रही हैं तो आप अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श लें, या फिर अगर स्त्री रोग विशेषज्ञ आपको इस तरह का परामर्श देती हैं कि आपको कोई बड़ी बीमारी है तो आप निश्चिंत होकर किसी भी डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन पता लगाना ज़रूरी है, और बिल्कुल खुद का अगर हम बात करें, खुद की आइडेंटिफिकेशन अगर होगी, अगर हमें पता होगा कि हमारे साथ जो दिक्कत है उसको हमें चेकअप कराना है, तो उस बीमारी से हम जल्दी निजात पा सकते हैं। इसके साथ डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम कैंसर की बात कर रहे हैं, कैंसर के इलाज में हम पूछना चाहेंगे आपसे होम्योपैथिक पद्धति में किस तरीके से कैंसर का इलाज किया जाता है? जी, कैंसर के केस में मैम हम लोग होम्योपैथी की चिकित्सा पद्धति में मैंने बताया था कि सारे फैक्टर्स हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं, मरीज के दिमाग में होने वाला भय, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बीमारी से रिलेटेड, उसकी जो सिम्टम्स हैं जो जिस जैसे कि उसको दर्द है कहीं से किसी तरह का और क्या कोई परेशानियां जो जो हो रही हैं, खाना नहीं पच रहा, खाना भूख नहीं लग रही है, पानी नहीं निकल पा रहे हैं, तो इस टाइप की जो अलग अलग दवाइयां उसके लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए क्विक रिलीफ के लिए होम्योपैथी में भी उपलब्ध हैं। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि होम्योपैथी की चिकित्सा पद्धति, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो कॉज अफेक्ट रिलेशन पे वर्क कर रही है। बिल्कुल, तो कॉज को कंसिडरेशन में लेते हुए मान लीजिए किसी का कॉज अगर कोई स्मोकिंग या इस तरह का हैबिट है तो उसके लिए हम लोग उसके अफेक्ट्स को नलीफाई करने के लिए कुछ फ्री रेडिकल्स रिमूवर या एंटी ऑक्सीडेंट्स की थेरेपी भी आजमाते हैं।
एक नई चिकित्सा पद्धति में आपको लोगों को जागृत करने के या जागरूक करने के माध्यम से बताना चाहूँगा। एक इंजेक्शन थेरेपी मिस्टल टो थेरेपी भी होम्योपैथी में अब उपलब्ध हो गई है, जिसमें कि प्लांट का जूस लिया जाता है और उसको सबक्यूटेनियस मतलब इस चमड़ी के अंदर इंजेक्शन उसके डायरेक्टली लगाए जाते हैं, जो वैक्सीन की तरह वर्क करते हैं और वो अत्यंत कारगर साबित हो रहे हैं आजकल के युग में। ये दवाई जर्मनी से प्रोक्योर या फिर जर्मनी से ली जाती है और उसका इंजेक्शन देने से किसी भी तरह की गांठ अनियमित रूप से जो काफ़ी समय से बनी हुई है या कैंसरस है, तो उसको कम करने में ये थेरेपी अत्यंत कारगर सिद्ध हो रही है। तो होम्योपैथी में हर तरह से इलाज पूरी तरह से संभव है। कैंसर के केस में होम्योपैथी ही मैं नंबर वन कहूँगा एज़ कम्पेयर टू एलोपैथी। बिल्कुल, इसी के साथ एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अंकुर प्रकाश, जो कि होम्योपैथिक चिकित्सक हैं और कैंसर रोग विशेषज्ञ भी हैं, जिनके साथ आज हमने चर्चा की और आपको बताया कैंसर से किस तरीके से आप निजात पा सकते हैं। कैंसर जैसी बीमारी जिसको हम गंभीर मानते हैं और कहीं ना कहीं हमारे डर ने उसे और ज़्यादा बड़ा बना दिया है, तो क्यों कैसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स के द्वारा हम उस बीमारी से निजात पा सकते हैं, किस तरीके के सिम्टम्स आपको पहचानने हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप होम्योपैथिक चिकित्सक से मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, लगभग सभी तरह की अगर हम बीमारियों की बात करें तो होम्योपैथिक पद्धति में हर बीमारी का इलाज है। जी, हर उस बीमारी का इलाज, मैं ये कहूँ कि अगर जो बड़ी बीमारी या क्रॉनिक डिजीज़ जिसमें कि कैंसर है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, चूँकि हम लोग हर फैक्टर को कंसिडरेशन में लेते हैं, तो इसलिए होम्योपैथी हर उस बीमारी में कारगर है जिसमें कि हम लोग मानते हैं कि एलोपैथी में इलाज है। और बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि एलोपैथी में चूँकि केवल एक वन डायमेंशनल अप्रोच रहती है कि पेशेंट को दवाई देनी है और उसका चिकित्सा करनी है लक्षणों के आधार पर, वो वन डायमेंशनल अप्रोच थ्री डायमेंशनल अप्रोच में कन्वर्ट हो जाती है जब हम एक होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में काम करते हैं और पेशेंट को दवाइयाँ देते हैं। तो ये कह सकते हैं कि होम्योपैथी का स्कोप आने वाले भविष्य में बहुत उज्ज्वल है। कई केसेस में हम लोग ये पाते हैं कि कहीं आपने एलोपैथी की दवाइयाँ नहीं लेते रहे और फिर उसके बाद होम्योपैथी की शरण में आए तो उससे ज़्यादा फायदा हुआ। तो उन पेशेंटों को उदाहरणों को मानते हुए और उसके प्रति जागरूक होते हुए हम लोग चूँकि अब साइड इफ़ेक्ट से बचना चाहिए एलोपैथी की दवाइयों के, तो ये कह सकते हैं कि अब आने वाला समय होम्योपैथी के लिए उज्ज्वल ही उज्ज्वल होगा। बिल्कुल, इसी के साथ डॉक्टर साहब आप हमारे शो पे आए और आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो दर्शकों, इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना खास ख्याल। नमस्कार।